आज 8 अप्रैल को हमारा निफ्टी क्लोज हुआ है 8,748 पर, और जो हमारा 52 वीक लो बनाया था यह वो कितना बनाया था 7,500 के आसपास, 7,500 पॉइंट के आसपास, उससे हमारा निफ्टी जो है 1200 पॉइंट रिकवर कर चुका है। ऐसे में बहुत आदमी को लगता है कि निफ्टी तो रैली पकड़ चुका है, ये लगातार अपने पॉइंट को रिकवर कर रहा है, मतलब ये अब बढ़ जा रहा है, हमारे जो निफ्टी में करेक्शन आया था उसे यह रिकवर कर रहा है। तो ऐसे में आप में भी कन्फ्यूज़न होगा क्या हम अब इन्वेस्ट करें या वेट करें नीचे आने का। तो इन सारे इम्पैक्ट पर बात करेंगे, क्या इम्पैक्ट होगा कोरोना का और क्या इम्पैक्ट होगा इसके बाद का। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो निफ्टी में 50 इंडेक्स है, जो 50 स्टॉक्स है उसमें से 24 हमारा क्या है एडवांस हुआ है, मतलब 24 में आज मूवमेंट देखने मिला है अपवर्ड डायरेक्शन का, और वहीं 26 में डाउनवर्ड डायरेक्शन का मूवमेंट देखने मिला है। तो इसमें बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स है जो जिसमें कि तेज़ी देखने को मिली है। तो देख सकते हैं वेदांता, सन फार्मा, सिप्ला, NTPC, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कुछ स्टॉक्स है जिसमें मूवमेंट देखने मिला है। उसके बाद कुछ देखते हैं लूजर स्टॉक्स भी है जो लूज किया है अपना प्राइस, मतलब जिसमें गिरावट देखने मिला है, वो TCS है, टाइटन है, हिंडाल्को है, ICICI बैंक है। चलिए तो इस तरह से कुछ सारे स्टॉक्स में पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला है, जैसे फार्मा के स्टॉक्स हो गए, लेकिन हम निफ्टी की चर्चा कर रहे थे। चलिए देखते हैं निफ्टी में जो आप देख सकते हैं कि जो निफ्टी इंडेक्स है हमारा उसमें 52 वीक लो प्राइस देखे तो वो है 7,511, और वही 52 वीक हाई जो बनाया था ये कितना बनाया था 12,430। अपने 52 वीक हाई से अभी भी हमारा जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 4,000 नीचे है, अप्रॉक्स 4,000 मतलब 3,000 जो हमारा 3,700 के अप्रॉक्स नीचे है हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि ये 1200 पॉइंट रिकवर कर चुका तो हम अब इन्वेस्ट कर लेते हैं क्या ये निफ्टी और आगे जाएगा। तो बता दें कि अभी जो भी इंडेक्स या जो भी स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो नेसेसरी नहीं है कि कोरोना वायरस के जो बाद का सिचुएशन होगा वो परफॉर्म करे, या लॉकडाउन के बाद का जो सिचुएशन है वो परफॉर्म करे, क्योंकि हमारा जो लॉकडाउन है वो लगातार इंक्रीज होगा, मतलब हमारा जो लॉकडाउन है 14 अप्रैल को अगर ख़त्म नहीं होता है तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा, फिर परिस्थितियां चेंज होगी, बहुत सारी कंपनी है इसके बाद जो है नई कंपनियां उभर के आएगी। तो ये है कोरोना वायरस का प्रभाव जो बहुत सारी नई नई कंपनियों को उभरने का मौका देगा। तो जो आप अभी देख रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आवश्यक नहीं कि कोरोना वायरस के बाद भी परफॉर्म करे, क्योंकि जो लॉकडाउन का प्रभाव होगा वो बहुत सारी कंपनियों पर बेड प्रभाव डालेगी, उसके परफॉर्मेंस पर बेड प्रभाव डालेगी, तो इस तरह से नई कंपनियों को उभरने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा जो निफ्टी है वो अपने 52 वीक लो जो बनाया उससे बहुत ही अभी 1200 पॉइंट आगे है। तो ऐसे में आप इंतज़ार करें, जो हमारा सिनेरियो है अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है इसके समाप्त होने का इंतज़ार करें, फिर देखिए क्या प्रभाव होता है, तब आप अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से करें। अभी आप स्ट्रेटजी बनाएं कि आप थोड़े थोड़े अमाउंट जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है 8,000 के आसपास आता है या उससे नीचे आता है तो आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद बहुत सारी छुट्टियां भी हैं, तो जैसे कल के बाद मार्केट बंद रहेगा तो इस सप्ताह में जो मार्केट है हमारा वो 3 दिन ही खुला रहेगा। तो यहां से हॉलीडेज देख सकते हैं आप जो NSE की वेबसाइट है उस पर, तो देख सकते हैं ये हमारा 10 अप्रैल फ्राइडे को हमारा क्या रहेगा मार्केट क्लोज रहेगा, गुड फ्राइडे है। उसके बाद फिर 14 अप्रैल को बंद रहेगा, तो 2 दिन अप्रैल में और क्लोजिंग है मार्केट का। उसके बाद सेंसेक्स देख सकते हैं, सेंसेक्स हमारा अभी कितना पे चल रहा है 29,000 के आसपास, तो हमारा सेंसेक्स में भी आज गिरावट देखने मिली है। फिर कल की बात करते हैं तो कल क्या हमारा इसमें मूवमेंट रहेगा, तो देख सकते हैं आज का ये डॉफ हमारा जो डॉ जोन्स है मतलब जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो हमारा ये देख सकते हैं इंडेक्स है, ये हमारा आज कितना पॉइंट 600 पॉइंट अप है, मतलब 2.65%। ये हमारा जो रात्रि के 10:30 बज चुके हैं उस समय हमारा लगभग, मतलब ये अब मार्केट कुछ देर बाद क्लोज होगा कुछ घंटे बाद, तो आज इसमें अमेरिकन मार्केट में मूवमेंट देखने मिला है, साथ साथ कई सारे और जो मार्केट है हमारे इंटरनेशनल मार्केट उसमें मूवमेंट देखने मिला है। तो इस तरह से कल की संभावना हम व्यक्त कर सकते हैं कि हमारा मार्केट भी कुछ मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ ही हमारा मार्केट मूवमेंट दिखाता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जो ग्लोबल मार्केट है वो पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है तो हमारा मार्केट भी देखे।
लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि जब ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होता है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव होता है, तो हमारे निफ्टी और सेंसेक्स भी कल अब मूव करने की संभावना है। उसी तरह से डॉ फ्यूचर को देखते हैं तो डॉ फ्यूचर भी देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जो डॉ जॉन्स फ्यूचर है 30 फ्यूचर वो भी हमारा आज 2.70 पॉइंट अप है, मतलब 600 पॉइंट अप है। और आगे चल करके अभी 2-3 घंटे जो मार्केट ओपन होगा उसमें क्या प्रभाव पड़ता है वो भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है कल अप मूव करने की संभावना है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है, तो ये देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कोरोना वायरस लाइव देख सकते हैं। सार्क नेशन डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन ऑन रीजनल ट्रेड, जो रीजनल ट्रेड है उस पर जो इम्पैक्ट हो रहा है ट्रेवल के रिस्ट्रिक्शन का, जो यातायात प्रतिबंध है उस पर कंसिडर किया जा रहा है कि उस पर हटाया जाए या क्या किया जाए। ऐसे सुनने में आया है कि जो हमारी बहुत सारी जो मालवाहक गाड़ियां है उसे चलने दिया जाएगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ देख दूसरा न्यूज़ है कि COVID-19 हॉटस्पॉट टू बी सील्ड इन दिल्ली, मास्क मैंडेटरी, मास्क जो है मैंडेटरी है और दिल्ली को सील्ड कर दिया गया है। अब देख सकते हैं क्या रहा है, कोरोना वायरस अटैक ऑन ब्रेन, क्या कोरोना वायरस ब्रेन को भी ब्रेन पर भी अटैक करता है, ये सारा साइंटिफिक रिसर्च में है अभी। उसी तरह से कुछ और न्यूज़ भी आप देख सकते हैं कि जो शेयर मार्केट है आज 17 स्टॉक्स 52 वीक हाई को अचीव किया NSE पर, 17 स्टॉक्स। वहीं 42 स्टॉक्स जो है अपने 52 वीक लो को मतलब टच किया, 42 स्टॉक्स। उसी तरह से फार्मा शेयर्स जो है आज बहुत सारा मूवमेंट देखने मिला फार्मा स्टॉक्स में, लगातार पिछले वीक से ही हमारे फार्मा स्टॉक्स में मूवमेंट देखने मिल रहा है। वहीं सेंसेक्स हमारा आज 175 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी हमारा कुछ पॉइंट्स आज नीचे बंद हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो शेयर मार्केट है कल हमारा इसका पॉजिटिव खुलने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वो हमारा आज अब बाढ़ है। कल जो हमारा ग्लोबल मार्केट था वो फ्लैट था, तो हमारा मार्केट भी आज फ्लैट रहा, 50% लोअर मूव किया, अप्रॉक्स हमारा क्या रहा आज का मार्केट वो हमारा फ्लैट रहा। तो इस तरह से व्यक्त किया जा रहा है कल हमारा मार्केट अप मूव करेगा और फिर हम डाउन आने का इंतज़ार करेंगे, नीचे आने का इंतज़ार करेंगे मार्केट का, फिर हम इन्वेस्टमेंट अपना करेंगे। तो अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना के रखें, क्योंकि जो ग्लोबल इफेक्ट होगा इकोनॉमी पर, जो मंदी आने की संभावना है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अभी सिर्फ हम कोरोना वायरस के इफेक्ट को देख रहे हैं, लॉकडाउन के इफेक्ट को देख रहे हैं, इसके बाद जो ग्लोबल मंदी आएगी उसको भी देखना पड़ेगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।